माइनक्राफ्ट, बट आई एम छोटी बच्ची, सॉरी छोटा बच्चा, मतलब मैं इसमें एक बेबी हूँ। एंड आपको पता है बेबी की बहुत सारी जो खासियत होती है, जैसे कि अगर मैं कोई भी पिकेक्स क्राफ्ट करता हूँ एंड अपने हैंड में लेता हूँ, उसमें बहुत तगड़ी तगड़ी एन्चेंटमेंट आएगी। एंड हमारे इसमें गोल होगा एंडर ड्रैगन को मारना वो बच्चा बन के। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं, सामने विलेज है, बहुत गंदा स्पॉन मिला हमें। चलो कोई नहीं, हम जल्दी से विलेज के अंदर चलते हैं। यहाँ पर कुछ सोल्जर्स है एंड विलेजर सोल्जर पता नहीं क्या कहते हैं, हाँ लेकिन विलेजर्स हैं, सोल्जर्स के विलेजर्स। अरे छोड़ो, तो ये देखो जो मुझे मरने लगे, एंड मुझे एक हर्ट भी नहीं गया मेरा। ये देखो मैं एकदम मतलब अमर हूँ मैं इस गेम में। एंड ये देखो, हेलो गाइस, आई एम अंडर द पिटाई, प्लीज़ हेल्प मी। अरे चलो कोई नहीं, यहाँ पे हम जल्दी से पहले से थोड़ा बहुत मज़े ले लेते हैं इससे, बहुत मज़े ले लिए, जल्दी से आगे चलते हैं। यहाँ पे एक घर दिख रहा है, जल्दी से इसके अंदर जाके छुप जाते हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा लड़ाई बढ़ गई ना तो भाई ये मुझे जीना हराम कर देंगे, मतलब मैं कुछ भी तोड़ नहीं पाऊँगा। यहाँ पे एक चेस्ट है, यहाँ पे मुझे कुछ लेदर आर्मर एंड फूड एंड लेदर मिला था। वेट, ये तो गेट भी खोले थे। अरे यार मैं घर फंस गया हूँ। चलो कोई नहीं, तो मैंने गेम को रिस्टार्ट कर दिया था एंड फाइनली ये दो रुक चुके हैं। एंड यहाँ पे हम कुछ वुड कलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे पहले दो ओक हो गए, ये भी कलेक्ट कर लेते हैं। इनफ कलेक्ट कर लिया मैंने एंड मेरे पास 24 ओक प्लैंक हो गए हैं। एंड आगे चलते हैं यहाँ पे, एंड यहाँ पे एक बेड दिखा जिससे इस पर रिस्पॉन पॉइंट सेट कर लेते हैं। यहाँ पे हमने एक पिकेक्स ली जो कितनी तगड़ी एन्चेंटमेंट है, मैंने दिखा नहीं पाया उसके लिए सॉरी। चलो कोई नहीं, हम आगे चलते हैं। यहाँ पर एक और घर है एंड इसके अंदर देखते हैं, इसके अंदर एक स्टोन कटर एंड तीन तीन फर्नेस, मैं पहली बार तीन तीन फर्नेस देख रहा हूँ। चलो कोई नहीं, तीनों को कलेक्ट कर लेते हैं, फूड पकाने में काम आएंगे। चलो हम आगे चलते हैं। एंड यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा बड़ी मतलब केवसी तो नहीं है, ये है कि आइस बायो में, मतलब हाँ आइस बायो में। ये देखो यहाँ पे एक क्या नाम, कैट रैबिट को बार बार मारा जा रहा है, लेकिन रैबिट खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। जो भी पीसफुल मॉब होते हैं वो इसमें मरते नहीं है, वो एक मर जाते तो दूसरे आ जाते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। अब अनलिमिटेड खाना कलेक्ट कर सकते हो एक ही मॉब से। एंड जल्दी से यहाँ पे आगे चलते हैं, हमने यहाँ पे एक कुछ 18 रॉ रैबिट कलेक्ट कर लिया है। एंड यहाँ पे हम कुछ अच्छी केव ढूंढ रहे हैं जिसमें मैं नहीं कर सकूं। एंड मैंने अब सीधा स्ट्रेट डिगिंग करने का सोचा है, एंड पहले से डिगिंग कर लेते हैं। ये देखो कितनी स्पीड से, देखो 14.3 एंड विट एक्सपी मिली मुझे, पता नहीं क्या, आई थिंक कोल होगा, एक पीस कोल का नहीं होता। एंड विट एक और बार एक्सपी मिली, विट नेदरराइट एमराल्ड गोल्ड आयरन लैपिस रेडस्टोन, ये मतलब अच्छा ये एबिलिटी होगी इसकी। मैं देखो बहुत देर से मैं नहीं कर रहा हूँ एंड फाइनली मुझे पता नहीं कितना सामान मिला है, लेकिन हाँ मुझे मिल चुका है। ये देखो मुझे 7 डायमंड्स मिल चुके हैं, नेदर राइट भी मिला है बहुत सारा। एंड यहाँ पर और माइनिंग करते हैं। एंड वीट यहाँ पर केव है, जल्दी से केव के अंदर चलते हैं। एंड यहाँ पर थोड़ी बहुत छोटी सी केव लग रही है मुझे, यहाँ पर तो एक कोई भी दिख नहीं रहा, यहाँ पर आयरन डोर है। चलो कहीं आगे चलते हैं। एंड ये अपने आप मर गया क्योंकि मैं बेबी हूँ, ये मुझे मार नहीं, छू तक नहीं सकते, मेरे पास भी नहीं आ सकते। चलो कोई नहीं, अब हम ऊपर चलते हैं, पहले हम सो जाते हैं बेड, क्योंकि मुझे पता है कि रात हो रही है ऊपर, मैं जब माइनिंग करने गया था तब रात हो रही थी। एंड नाउ हम सो के उठ चुके हैं एंड अब बेड को कलेक्ट करते हैं एंड अब चलते हैं ऊपर। ओके हम फाइनली ऊपर आ चुके हैं एंड यहाँ पर हम ग्रास ब्लॉक तोड़ते हैं, हम ऊपर आ चुके हैं। यहाँ पर हम और कलेक्ट कर लेते हैं जितना भी इनफ हो सके, क्योंकि मुझे अभी बहुत सारा डायमंड एंड एमराल्ड नेदरराइट बहुत सारे चाहिए। एंड जल्दी जितना भी हो सके उतना हम कलेक्ट कर लेते हैं, क्या पता मुझे आई एफ हंटर मिल जाए। ओके तो मैं बहुत देर से माइनिंग कर रही थी, स्पीड देख रही मैंने माइनिंग, ये तो एक्सरे भी ग्लिच हो गया मैंने थोड़ा बहुत मुझे। एंड वेट, दो आई एफ हंटर कैसे मिल गए मुझे, मतलब इस माइनिंग से मुझे आई एफ हंटर भी मिलेगी, ये बड़ी अच्छी बात है। चलो कोई नहीं, हम आगे चलते हैं। एंड यहाँ से मैं बहुत इनफ सामान हो चुका है, 40 डायमंड, 10 नेदरराइट, 61 आयरन इंगट, पहले जितना भी हो सके आर्मर एंड वेपन्स टूल्स जितना भी हो सके। पहले ये क्या है, डायमंड हेलबर्ट एंड ये लॉन्ग स्टिक से बनेगी, लॉन्ग स्टिक तीन स्टिक से बनेगी। चलो कोई नहीं, हम तीन स्टिक बना लेते हैं। एंड नाउ हमने तीन स्टिक बना लिए, मतलब एक लॉन्ग स्टिक एंड नाउ एक डायमंड हेलबर्ट मेरे पास आ गया। यहाँ पे गोल्डन आयरन भी है, स्टोन भी है एंड वुडन भी है एंड एक तो लॉन्ग स्टिक है। चलो कहने आपने डायमंड हेलमेट जो बना, ये देखो शार्पनेस फायर ब्रेकिंग 3 फायर स्पेक लूटिंग 3 सब कुछ है। जितना भी पहले मैंने डायमंड का आर्मर वो भी बना लेते हैं एंड बूट को रखते हैं इस साइड। एंड अब इंचेंट कर लेते हैं इसको, नो ये मैं हम इसको पहन लेते हैं। ये देखो मैं कितना बढ़िया ऑसम लग रहा हूँ इस आर्मर में एंड इसमें बहुत तगड़ी तगड़ी एंचेंटमेंट है जो कि बहुत मुझे बहुत अच्छी लगती है। एंड मैंने एक क्या नाम एक्स एंड पिकेक्स भी बना लिए एंड हम इसमें एक टेबल भी बना लेते हैं जिससे हम टूल्स जो है अपग्रेड कर सके। तो यहाँ पे हमने इसमें इतनी टूल भी बना लिया है एंड मेरी आवाज़ थोड़ी मतलब वैसे है कि मेरा गला ख़राब है, सॉरी उसके लिए। यहाँ पे हम जल्दी आर्मर उतार देते हैं, यहाँ पे जितना भी पहले आर्मर जो क्या नाम एंचेंट मतलब इसमें थी
टेबल से मैंने नेदरराइट का कर लिया है। एंड अब हम आगे चलते हैं, यहाँ पर रैबिट भी है, चलो मुझे इससे मतलब नहीं है, हम आगे चलते हैं अपना। और यहाँ पे हम पहले अपना जो फूड है उसको कलेक्ट कर लेते हैं, एंड जो तीनों फर्नेस है उसको रख के फूड कलेक्ट कर लेते हैं। ओके तो मान लीजिए मुझे फाइनली आई एफ 15 आई एफ एंडर मिल चुकी है, मैंने बहुत माइनिंग की है बहुत ज़्यादा। एंड जी इसके पास तो वो ही नहीं है, वह ये देखते आते ही मर गया लोल। चलो इस चीज़ को अपडेट करते हैं। यहाँ पर तीनों फर्नेस में हमारा खाना कुक हो चुका है, जल्दी से हम इसको तोड़ते हैं एंड अपना खाना जो है कलेक्ट कर लेते हैं। एंड अब हम चलते हैं बाहर जहाँ पे हम आयो फंड लेते हैं, एंड अब हम ढूंढते हैं स्ट्रॉन्ग होल्ड। एंड भाई ये यहाँ पे जा रही है, मतलब हमारे विलेज के आगे जाना है, मुझे बहुत लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा, तो मैं आपको मिलता हूँ बाद में। ओके तो देखते हैं। एंड वेट, यहाँ मैं दूसरे विलेज में आ चुका हूँ, ये अब नीचे जा रही है। एंड अब जल्दी हम नीचे स्ट्रेट माइनिंग करते हैं, देखना इसके मतलब माइनिंग करने की स्पीड देखना स्टोन पे। मैं बहुत देर से माइनिंग कर रहा हूँ लेकिन अब मुझे अब तक नहीं मिला। एंड देखते हैं मुझे वेट सीधे आके मैं इसी के नीचे आ गया, देख रहे हो जितना भी मेरे पास सामान था वो तो जल गया। चलो कोई नहीं, उसको जल जाते वैसे वो यूजलेस था मेरे लिए। यहाँ पर पहले इसको तोड़ दिया मैंने, एंड यहाँ पर जितना भी आई फंडर है उसको लगाते हैं। एंड ना ये लग चुका है, एंड ये एंड पोर्टल भी मतलब जाग चुका है। अब हम अंदर चलते हैं उस काली छिपकली को मारने। एंड वेट पता नहीं मैं कैसे ग्लिच सा चल रहा है या फिर पता नहीं क्या, ये देखो एंड ड्रैगन बार बार गया आई विल डिस्ट्रॉय यू डिस्ट्रॉय यू, वो मुझे छू तक नहीं सकता एंड डिस्ट्रॉय करने की बात कर रहा है, क्या करूँ अभी। मेरे सामने एक छोटा बच्चा है 5 साल का, चलो कोई नहीं हम इसको जल्दी से जल्दी मार देते हैं, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा परेशान करेगा। एंड देखते हैं पता नहीं कहाँ पे हो रहा है, मुझे तो मेरे सामने आ गया। एंड देखो उसने मुझे डैमेज तो नहीं दे पाया लेकिन मैंने उसको डैमेज कर दिया। एंड जल्दी से हम ऊपर चलते हैं टावर अप करके, हम ना जल्दी से इसको फोड़ देते हैं। ओके ना फोड़ चुका है, जल्दी जितने भी टावर इसको फोड़ देते हैं। ओके मैंने ये लास्ट बचा है क्योंकि मैंने सबको जो फोड़ दिया टावर को। एंड अब हम ऊपर आ चुके हैं इसके सेकंड भी, एंड जितना भी सबको पहले तोड़ देते हैं एंड फिर आपको मिलते हैं। ना ये हमारा लास्ट, ऊपर चलते सबको मतलब ये लास्ट है तो इसको भी तोड़ देते हैं, पहले ऊपर चलते हैं, ये एंडर का मुझे जाने नहीं दे रहा था। एंड मैं जैसे जल्द से इसको फोड़ देते हैं। ओके तो ना मैंने फोड़ दिया है, एंड अब हम लेते हैं खाना को हाथ में। अब हम पहले खाना खा लेते हैं एंड अब हम चलते हैं नीचे इसको तोड़ने के लिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मुझे परेशान कर रहा है। एंड अब मैं इसको परेशान करूँगा। एंड ना ये मैं इसके पास आ चुका हूँ, ये देखो इसका अटैक मतलब 14 डैमेज है अटैक। ना इसकी एक ऐसी बची है बड़ी मुश्किल से ये मुझसे पिटा है, एंड ना एक हिट और एंड फाइनली मर चुका है। एंड मैंने ये इस गेम को जीत लिया है। अगर आपको और भी ऐसी वीडियो चाहिए तो प्लीज़ इस चैनल को वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए टेक केयर, गुड बाय।